वो जो दान के लिए मैं कपड़े लेकर आई थी वो निकाल कर रखना, पूजा के बाद हम यही दान कर देंगे। जी मैम। मैडम मंदिर के अंदर जा रही है। बहन जी, यहाँ पर किसी भी मन्नत के लिए काला धागा नहीं चढ़ाते हैं। भगवान ने जिसका सब कुछ छीन लिया वो और कौन सा रंग चढ़ाएगा? जी माता, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। अपने बदले को पूरा करने के लिए मैं वो बन गई थी जो मैं कभी थी ही नहीं। नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, वैसा बनना चाहती हूँ जैसा मेरे डैडा ने मुझे देखना चाहा था, ऐसा जिसे देखकर मेरी माँ जहाँ भी है आपके पास वो प्राउड फील करे मुझे देखकर। इस औरत ने मेरे बच्चों को बहुत चोट पहुंचाई है, उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर किया है। एक माँ आपके दर पे खड़ी होकर भीख मांग रही है कि इस पूजा को कभी सुकून न मिल सके। इसे एक माँ की हाय लगी प्रभु, इसे कोई खुशी कभी न मिले। मेरी माँ, मेरे दादा जहां भी हो उन्हें शांति दीजिएगा। इसकी कोई इच्छा कोई मन्नत कभी पूरी ना हो। पंडित जी, मुझे एक हवन भी करवाना है। जी आप चलिए मेरे साथ। आइए। नहीं, मैं नहीं, 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 नहीं,
पूजा को कभी खुश नहीं मिलने देना भगवान, कभी नहीं। उसकी जिंदगी हर पल एक सजा होनी चाहिए, बस हर पल तड़पनी चाहिए वो। क्या
आ गए मम्मा। क्या हुआ मम्मा? हट यहाँ से। कौन है तू और मुझे हाथ क्यों लगा रही है? मुझे माँ क्यों कह रही है? मम्मा मैं पूजा, मैं पूजा। चल चल हट। हाँ तू मेरी पूजा नहीं हो सकती, छोटी है तू। हाँ छोटी क्या? कुछ नहीं होगा मम्मा। क्या हो गया मम्मा? मम्मा पूजा, मम्मा रुकिए। रानी मम्मा, मम्मा मैं हूँ पूजा, आप कहाँ जा रही हैं? तो मुझे मम्मा क्यों बुला रही है? अरे मैं पूजा हूँ लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं क्यों नहीं पहचान रही है? अभी तो आपको याद आ गया था। मैं आपकी, मैं आपकी पूजा हूँ। मेरी पूजा छोटी सी है, इतनी सी है। मैं बड़ी हो गई हूँ पूजा। मम्मा मेरी रानी पूजा। मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए बोला ना, छोड़ मुझे। मेरी बात सुनो ना, तू झूठी है, तू अकेले, तू मेरी पूजा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैम ये कौन है? ये मेरी माँ है। हमें लगा था ये नहीं रही है लेकिन ये जिंदा है। अभी नहीं याद आ गया था कि मैं इनकी बेटी हूँ लेकिन अचानक से भूल गई, पता नहीं क्या हो गया। मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, इनको तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। जल्दी जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। हाँ हेलो, अरे उसे उसकी माँ मिल गई है, ले आओ एम्बुलेंस। हाँ, अरे बैठा दिया उसको एम्बुलेंस में। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे का मैं सब संभालूंगा भैया। रॉ अरे तू रुक तो जा भाई। आप यहाँ नहीं रह सकती? क्यों, लेकिन मेरी ये मम्मा है। हाँ मगर अभी इन्हें एक माइल्ड इंजेक्शन देके शांत किया है, अगर आपको फिर देखेगी फिर वायलेंट हो सकती है और फिर इन्हें स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ेगा जो इनके लिए सही नहीं है। आप बाहर चलिए। ठीक है लेकिन मैं आप लोगों के पीछे पीछे ही आ रही हूँ। हाँ ठीक है। अरे क्या बात है, क्या बात है। सही बात है, दंगल लड़ने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो दंगल तेरा बाप दिखाने जा रहा है ना, उसकी प्रैक्टिस उसने बचपन से लेके 55 तक की है। बस कुछ देर की बात और है, फिर देखता जा, एक नया बम फटेगा। हाँ हेलो, वो मैडम गाड़ी लेके अकेले ही निकल गई और मैं यहीं खड़ा रह गया। अरे क्या इतना आके घेला समझा हुआ तूने मेरे को? हैं देख बेटा, अगर काम प्लान के हिसाब से ना हुआ ना तो। अरे तू चुप कर यार, साली कोई संपत्ति नहीं बैठ रही।
सोचने दे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हो गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चमत्कार हो गया। पूजा बिटिया, मुझे पता था कि भगवान जी कुछ ना कुछ अच्छा फल जरूर देंगे। हाँ माँ, बस मुझे एक बात कब से कचोट रही है, दादा ने हमसे झूठ क्यों बोला, क्यों हमेशा हमसे यही कहा कि हमारी माँ है ही नहीं, वो हमसे दूर चली गई है। वो तो माँ मिल गई है ना, तो आगे सारे जवाब मिल जाएंगे। माँ तो मुझे मिल गई, लेकिन शायद मैं अब तक माँ को नहीं मिली, मुझे पहचान ही नहीं पा रही है। एक पल के लिए उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन वो फिर से भूल गई। उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि उनकी दोनों बेटियां बहुत छोटी है। बिटिया, भगवान ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया ना, तो आगे भी भगवान जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तू देख लेना सब अच्छा होगा, अच्छी से अच्छी जगह उनका इलाज कराएंगे, उनकी याददाश्त वापस आएगी। कुछ पलों के लिए सही, उन्हें सब कुछ याद तो आया, बस वही पल हमारे लिए उम्मीद की किरण है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। हाँ माँ, अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे सब अच्छा अच्छा सोचना है। अम्मा, रानी को कुछ मत बताना, मैं उसे खुद बताना चाहती हूँ, उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। सुनो अड़े बके, जैसा बोला वैसा ही करियो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है वहाँ? पापा जी, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा आपकी प्लानिंग का जडंतर ममंत्र हो जाता है? सही कहा तूने बेटा, अपने आप को ही देख ले, क्या क्या सोचा था अपनी औलाद से कि तेरे आने के बाद लगे लगेंगे, लग गए। ठीक है पापा जी, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। तूने ना कभी मेरा हुनर नहीं देखा, हमेशा ऐब देखा। हुनर तो तेरा बाप दिखाएगा, फैशन शो में दिखाया था ना हुनर, अब उससे भी बड़ा हुनर दिखाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।